क्या यूएस में जो इन्फ्लेशन डेटा आया फ्राइडे को, वो हमारे भारतीय बाजारों में एक बड़ी गिरावट की वजह बनेगी? क्या जो गिरावट है हमारे भारतीय बाजारों में, वो कल से और भी ज्यादा भयंकर होती दिखाई देगी? और ऐसे कौन से बड़े इवेंट्स हैं जो आपको इस हफ्ते होते दिखाई देंगे? ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस एक वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे दोस्तों, क्योंकि एक बात तो साफ है दोस्तों कि जो यूएस फेड है वो महंगाई इन्फ्लेशन के सामने घुटने टेकते दिखाई दे रहा है। लिटरली दोस्तों, जिस तरह से लगातार यूएस जो है, यूएस फेड है, वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, उसके बावजूद जो डेटा है वो अपने आप में आप कह सकते हैं बहुत ज्यादा निराशाजनक थे, बहुत डरावने वाले थे। डेटा के ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, बात करेंगे हमारे भारतीय बाजारों की। तो देखिए, सबसे पहले जो पिछला हफ्ता गया हमारा बहुत दबाव में गया, जो आप कह सकते हैं जो एक कंपनी है उसमें जो लगातार गिरावट, जो ग्रुप ऑफ कंपनी है उसमें जारी लगातार गिरावट बाजार के सेंटिमेंट को बहुत वीक कर रही है। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो ग्रुप गिर रहा है, प्रॉब्लम ये है कि जो सेंटिमेंट है ना वो हमारे बाजारों के लिए बहुत खराब होता चला जा रहा है। और जो बैंक के एक्सपोजर्स दिख रहे हैं वो एक कह सकते हैं हम आने वाले समय में एक चिंता का विषय हो सकते हैं। भले ही मैं जानता हूँ कई लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे एक्सपोजर जितनी लिमिट है उसमें है, तमाम चीजें चल रही है, लेकिन हाँ कुछ प्रॉब्लम है ये साफ महसूस हो रहा है दोस्तों। ठीक है, आप कह सकते हैं कि तमाम जो बड़े बैंक्स के सीईओ कह लीजिए या तमाम ग्रुप कंपनीज आगे कह सकती हैं, बट प्रॉब्लम है ये साफ। लेकिन ये खैर किसी और का विषय है, बात करेंगे आने वाले हफ्ते में। देखिए, प्रॉब्लम अब ये दिख रही है मुझे कि शायद शायद दोस्तों जो आईटी है अब थोड़ा फिसलता हुआ और दिखाई देगा। जो आईटी सेक्टर में एक आप कह सकते हैं मजबूती थोड़ी देखने को मिली थी पिछले कुछ समय में, अब वहां से इश्यूज आते हुए दिखाई देंगे। और देखिए, जो आने वाली वीक है उसमें भी कोई और बहुत सारे डेटा है जो आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन जो वीक है आने वाला दोस्तों, मुझे ये लग रहा है कि फार्मा जो पैसा है ना, जो सेक्टर कह लीजिए सेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन चलती रहती है, अब पैसे थोड़े से फार्मा सेक्टर की तरफ जाते दिखाई देंगे मुझे लगता है। और आईटी में दबाव थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देगा दोस्तों, क्योंकि आप देखिए रेजिस्टेंस जो है वो तमाम स्टॉक की कंपनीज में हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। ठीक है, आप देखेंगे चाहे इंफोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, ये तमाम लोग ऊपर तो गए थे लेकिन कोई भी सस्टेन नहीं कर पा रहा दोस्तों। एक और कंसर्न जो कि बहुत ज्यादा दिख रहा है दोस्तों, और सिर्फ इस हफ्ते नहीं बल्कि और ब्रॉडर में वो है जो रूरल इकोनॉमी दोस्तों, जो रूरल डिमांड है वो अचानक से गायब होता दिखाई दे रहा है, वो लगातार गिर रहा है, और ये एफएमसीजी कंपनीज के लिए कह सकते हैं खतरनाक बात है। और देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है नेक्स्ट वीक की, मैं थोड़ा ब्रॉडर वे में इसलिए बोल रहा हूँ, जिस तरह की हम गर्मी का सीजन फेस करने वाले हैं, क्रॉप में जितना निगेटिव असर उस गर्मी का होगा सीधा सीधा प्रॉब्लम रूरल इकोनॉमी में होगा, जो ऑलरेडी डिमांड टेम्पर्ड है वो और भी ज्यादा खराब होते हुए दिखाई देगी दोस्तों। तो ये पूरा हफ्ता थोड़ा दबाव में रहेगा। एक आप कह सकते हैं देखिए यूएस कारण गिरावट होगी, ये मैं उतना नहीं मानता, क्योंकि ऑलरेडी हम यूएस से पहले भी उसके बिना भी गिर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम पूरा रॉकेट बने हुए हैं। तो यूएस कारण कोई बहुत बड़ी गिरावट होगी ये मैं नहीं मानता, लेकिन हाँ बाजार वीक रहेंगे और गिरावट के चांसेस जाना है पूरे वीक में दोस्तों। ठीक है, और अब अगर हम बात करें दोस्तों कि भाई आने वाले समय में कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो सबसे पहले बात करूंगा सोमवार को दोस्तों। तो जो सोमवार को दोस्तों वो है, वो मैरिको की जो बोर्ड मीटिंग है वो होने वाली है, इंटरिम डिविडेंड के कह लीजिए इंटरिम डिविडेंड जो है उसके ऐलान के लिए फॉर फाइनेंशियल 23। ठीक है, जो यूरोप का एरिया इकोनॉमिक सेंटिमेंट है दोस्तों वो रिलीज होने वाला है कि भाई इकोनॉमिक सेंटिमेंट किस तरह रहने वाले हैं। ठीक है, यूएस ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर के कह लीजिए डेटा आने वाले हैं, दैट यूएस ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर मेज, और यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही है कि जो ऑर्डर्स हैं वो थोड़े कम होते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं मंगलवार की। तो मंगलवार क्या होने वाला है, इंडिया के GDP डेटा आने वाले हैं, और जो कि प्रोजेक्ट क्या किए जा रहे हैं 4.6% रहेंगे दिसंबर में। ठीक है, और इकोनॉमी एक्सपेंडेड 6.3% सेप्टेम्बर, जहाँ सेप्टेम्बर 6.3% इकोनॉमी बढ़ी थी, इस बार 4.3% बढ़ने की बात कही जा रही है। ठीक है, और इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट और फिजिकल डेफिसिट का डेटा मंगलवार को आने वाला है दोस्तों। ठीक है, आगे द गवर्नमेंट विल ऑल्सो रिलीज द एक्सपेंडिचर रेवेन्यू डेटा फॉर द पीरियड एंडिंग January 23। ठीक है, और किस चीज की बोर्ड मीटिंग होने वाली दोस्तों, अ कमेटी ऑफ द बोर्ड ऑफ मुथूट कैपिटल, जी हाँ दोस्तों, सर्विस विल मीट टू कंसिडर फंड रेजिंग, फंड रेजिंग के लिए मुथूट कैपिटल की बोर्ड मीटिंग होने वाली दोस्तों। ठीक है, यूनिटेक का नंबर आएंगे फ्राइडे मंगलवार को दोस्तों, यानी ट्यूजडे को।
ठीक है। और उसके बाद यूएस होम प्राइजेस इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडाइसेस, यूएस के होम प्राइजेस इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडाइसेस ये आएंगे। तो यानी ये पूरा हफ्ता बहुत ज्यादा यूएस सेंट्रिक भी शायद हो सकता है, और इंडिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट जो जीडीपी इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा है वो भी आने वाली, यानी इसीलिए कह रहा हूं जो आने वाला हफ्ता है ये काफी ज्यादा चैलेंजिंग होने वाला है। दोस्तों बात करते हैं मार्च की, मार्च 1 यानी वेंसडे को ऑटोमेल नंबर्स आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑटोमेल कंपनीज विल रिलीज होलसेल डिस्पैचेस डेटा फॉर फरवरी 2023। और क्या कहा जा रहा है, पैसेंजर व्हीकल सेल्स ग्रू एट अ हेल्दी पेस, ठीक है। तो वो कैसे रहेंगे हमें देखने को मिलेगा, अभी भी पैसेंजर व्हीकल से अच्छे नंबर आने की उम्मीदें हैं दोस्तों। फिर है इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, जी हाँ दोस्तों इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आएगा वेंसडे को। फिर आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के जीडीपी का नंबर्स आएंगे जो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगते हैं। फिर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर्स भी आएंगे दोस्तों, तो ये भी एक दिखने लायक चीज रहेगी। अब बात करेंगे थर्सडे को यूरो की एरिया इन्फ्लेशन आएगा दोस्तों नंबर। फिर एक और इंपॉर्टेंट जो यूएस का डेटा आएगा दोस्तों, जो वो होता है यूएस के जॉबलेस क्लेम्स। अगर वापस से जॉबलेस क्लेम कम होते हैं तो फिर तो आप भूल जाइए, बहुत बड़ी गिरावट होगी, ठीक है। बात है स्पीच बैन ऑफिशियल एट बैंक ऑफ इंग्लैंड, या मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ठीक है। अब बात करते हैं फ्राइडे को, तो वहां पे दोस्तों आएगा इंडिया का सर्विस पीएमआई और ग्लोबल सर्विस पीएमआई आएगा। तो ये बात होने वाली, यानी वेंसडे तक आप देखेंगे तो शुरू के 3-4 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बहुत बड़े इवेंट्स होने वाले हैं, और नेक्स्ट वीक मुझे नहीं लगता दोस्तों। और देखिए मैं कोई डेट नंबर इसलिए दे रहा कि भाई ये सपोर्ट वो सपोर्ट, क्योंकि आने वाला वीक मुझे लगता है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होने वाला है दोस्तों। इसीलिए कुछ भी कहना है बहुत ज्यादा मुझे लगता है जल्दबाजी होगी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। आने वाले समय मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरी है ये देखना कि बाजार में किस तरह के रिएक्शन आते हैं जो डेटा आ रहे हैं दोस्तों। तो ये छोटे से वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।